नमस्कार, आप देख रहे हैं बॉलीवुड केसरी और मैं हूं आपके साथ एकता। मैं लेकर आई हूं बॉलीवुड की कुछ लेटेस्ट अपडेट। छोटे पर्दे की फेमस डिजाइनर कहे जाने वाली उर्फी जावेद एक बार फिर से चर्चा में आ गई है। दरअसल उर्फी अक्सर अपने अतरंगी कपड़ों को लेकर लाइमलाइट में बनी रहती है और आए दिन उर्फी पेपराजी के कैमरों में भी स्पॉट होती ही रहती है, जहाँ वो अपने फैंस को हर अपने नए लुक और डिफरेंट ड्रेस से इम्प्रेस करती रहती है। वही उर्फी अपने फैंस के साथ भी काफी इंटरेक्ट करती रहती है, लेकिन इस बार उर्फी ने अपने फैंस की डिमांड सुन कुछ ऐसी हरकत कर दी जिसे सुन हर कोई अब आश्चर्य रह गया है। तो ऐसा क्या किया है उर्फी ने, जानते समझते हैं इस रिपोर्ट में। दरअसल उर्फी को देखते ही फैंस उनसे सेल्फी लेने की डिमांड करने लगते हैं। कुछ ऐसा ही उर्फी के साथ एयरपोर्ट पर देखने को मिला, जहां एक्ट्रेस को देखते ही लोग सेल्फी लेने के लिए आ गए। ऐसे में उर्फी जो रिएक्शन दिया है वो काफी मजेदार है। उर्फी जावेद बार बार सेल्फी लेने की जिद कर रहे फैंस से कहती हैं कि वो पहली सेल्फी फ्री में देती हैं और दूसरी सेल्फी के लिए चार्ज करती हैं। यह सुनते ही उनका फैन पीछे हट गया। वहीं इस दौरान उर्फी पर्पल कलर की ब्रालेट टॉप और ट्राउजर में काफी प्यारी लग रही थी। वहीं एक्ट्रेस ने अपने इस लुक को हाई हील्स के साथ पूरा किया था। इसके साथ ही उर्फी ने अपने इस लुक को न्यूड मेकअप और खुले बालों के साथ टीम अप किया था। वहीं उर्फी के कपड़ों के साथ एक्सपेरिमेंट करना हर किसी को काफी पसंद आने लगा है और अब उर्फी के फैंस भी उनके नए लुक को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं। वहीं उर्फी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जहां उर्फी के फैंस उर्फी की जमकर आलोचना करते हुए भी दिख रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया पर उर्फी की तस्वीर और वीडियो जमकर वायरल होती रहती है। साथ ही उर्फी के फोटो अपलोड करने के साथ ही एक्ट्रेस की फोटोज ट्रेंड करने लगती है और जमकर लाइक और कमेंट्स भी आने लगते हैं। वाला आपको उर्फी का ये लुक कितना पसंद आया, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वाला अभी के इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं एकता त्रिपाठी पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आप हमारे वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें और अगर आप हमारे वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।